युवा नेता, कांग्रेस के सांसद और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई उन चुनिंदा सांसदों में से एक हैं जो पहली बार मैदान में उतरे और 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के विरुद्ध भी जीत कर संसद तक पहुंचे। असम के कालियाबोर से लोकसभा सांसद 34 वर्षीय गौरव गोगोई को राजनीति में आए बस कुछ ही दिन हुए थे कि वो कांग्रेस के टिकट पर सीधे लोकसभा चुनाव में उतर गए और जीत दर्ज की। गौरव की शादी इंग्लैंड मूल की एक लड़की से हुई, उनका नाम एलिजाबेथ है। गौरव और एलिजाबेथ की पहली मुलाकात 2010 में न्यूयॉर्क में हुई थी और दोनों को पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से प्यार हो गया। गौरव ने जब एलिजाबेथ से शादी की बात अपने पिता तरुण गोगोई को बताई तो उन्होंने ब्रिटेन जाकर एलिजाबेथ के माता पिता से शादी की बात कर ली। दोनों घर वालों की रजामंदी से 2013 में असम में बड़े धूमधाम से गौरव और एलिजाबेथ की शादी हुई। बता दें कि एलिजाबेथ को भारतीय परिधान, खास तौर पर साड़ी काफी पसंद है, उन्हें अक्सर साड़ी में देखा जा सकता है। एलिजाबेथ एक एनजीओ चलाती हैं और वो दिल्ली में रहती हैं। एलिजाबेथ चुनाव प्रचार के दौरान भी गौरव का साथ देती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में एलिजाबेथ अपने पति के लिए चुनाव प्रचार करती नजर आई थी, यहाँ तक कि उन्होंने लोगों से जुड़ने के लिए असमिया में गाना भी सीखा था। बता दें कि गौरव को महज कुछ वर्षों के राजनीतिक करियर में उन्हें राहुल गांधी के भरोसेमंद लोगों में गिना जाता है। संसद में होने वाली चर्चाओं के साथ साथ वो टीवी पर भी स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस की बात को मजबूती से रखते नजर आते हैं। मई 2013 में कांग्रेस का हाथ थामते समय गौरव की पहचान असम के मुख्यमंत्री के बेटे के रूप में हुई थी, लेकिन आज उन्हें एक काबिल नेता, कुशल जनप्रतिनिधि और प्रखर वक्ता के तौर पर जाना जाता है। वो अमेरिका में पढ़ाई करके 2011 में भारत आए तो कांग्रेस की विचारधारा को लोगों के बीच फैलाने और समाज सेवा में जुट गए। गौरव का जन्म 1982 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल में पढ़ाई की। 2004 में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के बाद गौरव गोगोई आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। उनकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा उनका लेख भी प्रकाशित हो चुका है। विदेश नीति, ग्रामीण विकास और जनसंचार उनके पसंदीदा विषय हैं। खाली समय में वो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। इसी के साथ ही टेनिस और दौड़ उनके पसंदीदा खेल हैं।